वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। ये देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42,50,000 आवास स्वीकृत किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,41,00,000 मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए। एंटी भूम अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 2,478 आक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।